Hi guys, thank you so much for giving us your time and welcome to PMIS interviews. सबसे पहले I would like to start आप सबकी introduction के साथ. Hi, my name is Kushak Gupta. My in-game name is MM Trilok and I play for team Mayhem. Hi, my name is Trilok Singh. My in-game name is MM Trilok and I play for team Mayhem. Hello guys, my name is Manoj Kumar. I play for team Mayhem and my in-game name is MM Believe. Hello guys, my name is Harsh Srivastav and my in-game name is MM Immortal. And my role is assaulter. Great, thank you so much, guys. So मैं टीम के आईजीएल से आई थिंक स्टार्ट करना चाहूंगी और उनसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप लोग की जो लाइनअप है ये पीएमसीओ से अलग है. So how are you guys managing? किस तरह से आप एक ही अप्रोच लेकर साथ में चल रहे हैं? We have been playing for the past 4 months. तो बहुत मेहनत तो कर ही रहे हम लोग, तो कॉन्फिडेंट हैं कि परफॉर्म तो कर ही लेंगे, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर परफॉर्मेंस नहीं आई तो एक तो हम लोग को पहली बात भरोसा है एक दूसरे पे कि कर सकते हैं, और इतने टाइम से प्रैक्टिस करने पे यही है कि कॉन्फिडेंट है कि हो जाएगा. नाइस, आप लोग की गेम काफी अच्छी चल भी रही है, कमेंडेबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं आप लोग, तो क्या स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं, ऐसा क्या प्लान करते हैं आप लोग बिफोर यू नो बिफोर स्टार्टिंग अ गेम, बिफोर स्टार्टिंग अ मैच, कैसे प्लान करते हैं आप लोग इस चीज से? सो अभी बात करें परफॉर्मेंस का, तो एज अ फ्रेगर मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ कि मेरा पार्टनर हर्ष है, तो उससे काफी अच्छा बैकअप असॉल्टर मिल जाता है. या बिलीवर में हम लोग एंट्री फ्रेगिंग करते हैं सबसे पहले अपने टीम से, सो वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट वी कैन, मतलब जैसे हम पुश करते हैं एक नॉक हम हमारे टीम से जरूर आता है. सो हम लोग एक नॉक पुश करते हैं सीधा सीधा और एब्सोल्युटली एग्रेशन के लिए जाएंगे और कॉन्फिडेंट है हम लोग बहुत असॉल्टिंग में. चलो आपने जैसे कि मेंशन भी करी अभी ये चीज कि आप और लोग काफी टाइम से साथ में खेल रहे हैं तो एक सिनर्जी अच्छी बैठ जाती है, तो वो बॉन्ड कितना हेल्प करता है गेम को आगे बढ़ाने में या फिर उस गेम में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देने में, बिकॉज आप लोग फ्रेंड्स भी हो, फ्रेंड्स रह भी चुके हो, पहले साथ खेल भी चुके हो, सो कितना हेल्प करता है वो चीज आप दोनों को और साथ साथ बाकी जो दो प्लेयर्स है उनके लिए भी वो बॉन्ड कितनी मदद करता है? बेसिकली जैसे हम लोग बहुत टाइम से खेलते हुए आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है ना कि लाइक इफ अगर हमारा कोई सा भी स्टेप लेना होता है तो हम दोनों का इतना कोऑर्डिनेशन है कि बिना बोले भी हमको अपने एक दूसरे का पता रहता है कि यार ये चीज करना है यहाँ पर पर्टिकुलर, इफ हम पुश कर रहे तो नेट कर रहा है तो हमको दूसरे को कॉल भी देने नहीं पड़ता कि यार हमने मैंने नेट किया यहाँ पे, मैं इधर से जा रहा हूँ उधर से जा रहा हूँ. सो ये चीज इसलिए हेल्प करती है, जैसे कि इफ अगर हम सपोर्ट खेल रहे हैं पीछे सपोर्ट कर रहे हैं टीम को तो उसमें हम लोगों को कॉल भी देने नहीं पड़ता है कि हम इसको मारेंगे उसको मारेंगे, वो अपने आप अपने अपने एंगल हम लोग होल्ड करके देख लेते हैं और वो चीज मेरे हिसाब से टीम को एक पॉजिटिव ही देता है क्योंकि इफ अगर तुम बिना बोले और इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे को समझ सक रहे हो तो आराम से हम फ्रैक्स निकाल के अपनी टीम को आगे पहुंचा सकते हैं. बिलीव मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि कैसी बॉन्डिंग है आप चारों की मैच के दौरान भी मैच के बाद भी, कैसी फ्रेंडशिप है, कैसे मजे करते हो, बिहाइंड द सीन्स क्या रहता है टीम के? एक्चुअली बिहाइंड द सीन ऐसा कहे तो हम लोग सभी हंसी मजाक में रहते हैं, तो चिल्ड रहते हैं एक साथ सारे के सारे, और जब गेम की बात है गेम के टाइम पे सबको पता है कि टीममेट का अगला कई बार होता है कि मूव क्या हो, तो उस वजह से बॉन्डिंग की वजह से रिलेशन बन जाता है कि नेक्स्ट स्टेप अपने टीम का कई बार आपको पता लग जाता है. That's nice. पर कोई टीम ऐसे कि जो स्पेसिफिकली लगी हो कि वेरी लाइक कैन बी अ टफ कॉम्पिटिटर टू यू गाइस, कैन गिव अ टफ कॉम्पिटिशन रादर? अभी तो इतना इंप्रूव हो गया सबका गेम तो सबका ही टफ कॉम्पिटिशन सभी देंगे, तो ऐसा नहीं कि हम सबको टारगेट करें, इसका मतलब हम लोग को बेसिकली अपना ही गेम पे फोकस करना है और रिजल्ट आ जाएगा. जैसे आप अभी PMIS के सेमीज में भी देख रहे हो आप कि लाइक मतलब जो क्वार्टर फाइनल चल रहे हैं उसमें बहुत सारी अंडरडॉग्स टीम्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, मतलब जो हमारे वेटरन्स टीम्स हैं उनको भी अच्छा खासा, मतलब बहुत सारी टीम्स बाहर भी हुई हैं आपने देखा होगा राउंड वन में भी, तो हम कह नहीं सकते कि किसको पर्टिकुलरली टारगेट करना है क्योंकि आज की डेट में सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग ग्राइंड कर रहे हैं, तो सब लोग अच्छे ही खेल रहे हैं, तो हम किसी को लाइटली नहीं ले सकते. कोई मैसेज, कुछ चीज आप लोग जो अपने फैंस को, अपनी फैमिली को या फिर जो लोग चाहते हैं इस ग्रुप में, इस डायनामिक्स, इस पबजी में आना, उनके लिए आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? सो ऐसा है कि जो लोग ई स्पोर्ट में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज टूर्नामेंट्स बहुत आते रहेंगे और उनमें परफॉर्म कर सकते हैं और अपना अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, बस आपको एक टीम फॉर्म करना है और आप बिल्कुल ग्राइंड करिए और जाके टूर्नामेंट परफॉर्म करिए, क्या पता आप नेक्स्ट विनर हो नेक्स्ट टूर्नामेंट पे. So guys, thank you so much for giving us your time. I wish you guys a very all the best for your future endeavors. I hope PMIS में आप लोग अच्छा परफॉर्म करें, ट्रॉफी लेकर जाए और आगे आने वाली जर्नी भी आपकी काफी अच्छी रहे. Let's go.